हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे आक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर, जो कि इंटरमीडिएट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आक्सीकरण तथा अपचयन, यानी आक्सीकरण अपचयन हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि आक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है तथा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। आपको आक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर समझना है कि आक्सीकरण अपचयन में क्या अंतर होते हैं। हम एक लाइन बीच में खींच लेंगे और एक तरफ लिख देंगे आक्सीकरण, दूसरी तरफ लिख देंगे अपचयन। चलिए नंबर एक देखते हैं कि आक्सीकरण क्या होता है। आक्सीकरण में क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन पृथक होते हैं। आपको हम आक्सीकरण तथा अपचयन की सबसे सरल विधि, सबसे सरल अंतर बता रहे हैं कि आक्सीकरण तथा अपचयन क्या होता है। यानी आक्सीकरण में इसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं, पृथक होते हैं। इसमें ऑक्सीजन पृथक होते हैं, ऑक्सीजन पृथक होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया है कि कौन त्यागता है और कौन ग्रहण करता है। नंबर दो देखिए, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसमें देखिए, इसमें जो होता है हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसमें नंबर दो हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। तीसरा नंबर देखिए, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है। इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों के अवयव का अनुपात घटता है। इसमें विद्युत अवयव, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव अवयव का अनुपात, इसमें बढ़ता है। इसमें अनुपात क्या है, बढ़ता है। इसमें अनुपात घटता है, यानी आक्सीकरण में इनके विद्युत अवयव के तत्वों का अनुपात बढ़ता है और अपचयन में इनके अनुपात घट जाते हैं। चौथा नंबर देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी आपसीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसमें लिखिए, इसमें आपसीकरण संख्या बढ़ती है, आपसीकरण संख्या को ओएन भी कहते हैं। ओएन ओएन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसमें आपसीकरण संख्या बढ़ती है। ये हमारा पांचवा नंबर है, यानी इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, यानी ऑक्सीकरण में ही जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो बढ़ती है। और इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है। पुनः एक बार इसको समझ लीजिए, इसमें हाइड्रोजन पृथक होते हैं, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों के अवयव का अनुपात बढ़ता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इसमें आक्सीकरण संख्या यानी ओएन जो होता है वो बढ़ता है। इसी प्रकार इसमें ओएन बढ़ता नहीं है, इसमें ऑक्सीजन पृथक होते हैं, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसी प्रकार आप हमारी वीडियो को देखिए और समझिए।